हेलो दोस्तों, जय माँ काल। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर शून्य टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के तो जितने एग्ज़ाम हैं और जैसे पटवार हुआ, वीडियो हुआ, इन सभी में तो आपको 100% आपको बहुत सहायता मिलेगी। और बता देता हूँ आपको, आरपीएससी और आरएस के जितने एग्ज़ाम होंगे, जितने भी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हाई कोर्ट, रेंजर, इन सभी में, वनपाल, वन रक्षक, सभी में आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, राजपूतों की यानी जितने शासकों के बारे में बात करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के आधार पर कथन का चयन करना है कि किसका कथन किसने कहा था, आपको इसके बारे में बताना है। तो शुरू बताओ कि राजपूतों की उत्पत्ति के आधार पर सही कथन का चयन करें। वैदिक आर्यों की संतान है, ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है, अग्निकुंड की उत्पत्ति, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं डी डी आर भंडारकर। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत चंद्रावत चंद्रबरदायन। और विदेशियों की संतान है गौरी शंकर हीराचंद ओझा द्वारा दिया गया। तो इनके आप बताइए, इसको मिलान करना है कि कौन सा आंसर सही है, आपको बताना है। तो आपको मैं बता दूं, वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्यों की संतान, ये बात किसने कही थी? भाई, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। तो आपको मैं बताऊं, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ये कथन डॉक्टर हीराचंद ओझा जी का था, और सी वी वैद्य ने भी ये बात कही थी। ठीक है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, ये बात किसने कही थी कि जो राजपूत शासक है वह अग्निकुंड से उत्पन्न हुई प्रजाति है? देखो, आपको मैं बता दूं कि चंद्रबरदाई पूछे किसके, अगर किसके वो थे शासक में, दरबारी विद्वान किसके थे? तो आपको मैं बता दूं, पृथ्वीराज दित्य तृतीय के ये दरबारी विद्वान हुआ करते थे चंद्रबरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज दित्य के, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, और अगर इसकी बात करूं तो इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था, कौन सा? पृथ्वीराज रासो। कौन सा? पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ भी लिखा था। उसी में बताई गई है कि जो राजपूत शासक है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। ब्राह्मणों की उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी ब्राह्मणों से ये इस जाति का उत्पन्न हुआ था, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, ये बताया किसने है? ये दोस्तों, ये बताया है डॉक्टर डी आर भंडारकर ने। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने ये कहा कि राजपूत शासक ब्राह्मणों से उत्पन्न संतति है। ठीक है, ये बात कही गई थी। फिर नेक्स्ट है विदेशियों की संतान। तो दोस्तों, विदेशियों की संतान, ये बात कही थी कर्नल जेम्स टोड ने। अगर ये पूछ ले कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज है, ये किसने कहा था? तो ये दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने कहा था ये बात, राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माने जाते हैं कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, जिसे विदेशी जातियों का संतान भी कहते हैं। कौन? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ठीक है, स्मिथ ने दोस्तों राजपूतों को हूणों की संतान कहा था, याद रखना। हूणों की संतान किसने कहा था? राजपूतों को हूणों की संतान किसने कहा था? तो याद रखना, स्मिथ ने ये बात कही थी कि राजपूत इस वो सॉरी हूणों के संतान बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसको बप्पा रावल के बारे में जो सही कथन है उसका चयन करना है आपको। तो आप सही सही बताना है आपको कि बप्पा रावल के बारे में कौन सा कथन सही है। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया, क्या ये बात सही है? बप्पा की राजधानी नागदा थी, एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता थे। इतिहास सी वी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो आपको मैं बता दूं, देखो पहले बप्पा की बात करते हैं, तो बप्पा रावल ने अपना स्थान ग्रहण किया था 734 ईस्वी से 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कब तक? 753 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया, याद रखना। फिर ये बिल्कुल बात सही है कि 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया, बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, फिर है
बप्पा की राजधानी की बात करते हैं तो बप्पा की राजधानी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। बप्पा रावल थे ना, उनकी राजधानी कहाँ थी? नागदा थी, नागदा, ये भी याद रखना ठीक है। और एकलिंग जी, हाँ जो कैलाशपुरी है, कैलाशपुरी में एकलिंग जी जिसे लकुलेश जी का मंदिर भी कहते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो ये भी किसने करवाया? बप्पा ने कैलाशपुरी में करवाया था ठीक है। और गुहिल वंश के कुल देवता हैं, ये भी बात सही है कि एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता माने जाते हैं ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ मैं कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार आपको बप्पा का वास्तविक नाम क्या बताया गया? कालभोज बताया गया। किसके अनुसार? गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का ही वास्तविक नाम क्या बताया गया? कालभोज बताया गया था ठीक है। और बप्पा कालभोज की उपाधि थी, क्या थी बप्पा? कालभोज की क्या थी? उपाधि मानी जाती है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में सी वी वैद्य ने बप्पा की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की, ये भी राइट आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि देखो आपको मैं बता देता हूँ, जब चित्तौड़ पर आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण हो रहा था, तब उसके मुकाबले की चुनौती अगर टक्कर दी थी तो किसने की थी? बप्पा ने। बप्पा ने स्वीकार कर उन्हें कहाँ तक खदेड़ दिया था? सिंध तक भगा दिया था, सिंध तक खदेड़ कर निकाल दिया था। इस कारण किसने कहा था? इस कारण इतिहासकार जो सी वी वैद्य जी हैं उन्होंने चार्ल्स मार्टेल की इन्हें उपाधि दी। चार्ल्स मार्टेल की बात करते हैं कि चार्ल्स मार्टेल की उपाधि क्यों दी, तो ये भी फ्रांसीसी सेनापति थे एक चार्ल्स मार्टेल। तो इन्होंने क्या किया, जिससे यूरोप में जो सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था वो काम इन्होंने किया था, इस कारण इन्हें चार्ल्स मार्टेल की उपाधि दी गई थी बप्पा रावल को। तो इसमें चारों आंसर आपके राइट हैं, ए बी सी डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गुहिल वंश जैतर सिंह के बारे में सत्य कथन क्या है? जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाई, ये बात सही। पहले जैतर सिंह के शासनकाल की बात करते हैं, तो जैतर सिंह का शासनकाल 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक था, 1253 ईस्वी तक रहा ठीक है। फिर इसको ये राइट आंसर है कि जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन कर अपनी राजधानी बनाई, बिल्कुल राइट आंसर है ये भी ठीक है। और अपनी राजधानी बनाई, फिर यहाँ पे एक युद्ध हुआ था दोस्तों, भूताला का युद्ध। मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। तो 1227 में दोस्तों इसमें एक भूताला का युद्ध हुआ था यहाँ पे। किसका? भूताला का युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध, भूताला का युद्ध कब हुआ था? 1727 ईस्वी में ठीक है। किस किस के मध्य हुआ था? तो दोस्तों दिल्ली के जो गुलाम वंश के सुल्तान थे, इल्तुतमिश, 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 इल्तुतमिश की जो सेना थी उसको परास्त किया था दोस्तों जैतर सिंह ने। किसके? जैतर सिंह ने इनको परास्त किया था, जैतर सिंह ने, जैतर सिंह ने इनको परास्त किया था, इल्तुतमिश की सेना को जैतर सिंह ने परास्त कर दिया था भूताला के युद्ध में 1227 ईस्वी में, याद रखना। अगर इस युद्ध का वर्णन मिलता है तो आपको मैं बता दूं, इसका वर्णन जैतर सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है जिसको हमीर मर्मदन कहते हैं, उसमें इसका वर्णन मिलता है ठीक है, याद रखना। जय सिंह सूरी के ग्रंथ है हमीर मर्मदन में इसका भूताला के युद्ध का वर्णन मिलता है, याद रखना। और उस युद्ध में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया था, क्या कहा गया था? हमीर कहा गया था इल्तुतमिश को। और इसके बारे में आपको बताऊं मैं कि अगर उस समय का सब मेवाड़ का जो मेवाड़ है उसका अगर सबसे प्रतापी शासक था, बलवान शासक, तो वो जैतर सिंह ही माना जाता था दोस्तों ठीक है। देखो अब मैं आपको, पहला क्वेश्चन तो आपको सही हो गया, दूसरा क्वेश्चन, 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, बिल्कुल राइट आंसर है। भूताला के युद्ध का वर्णन हमीर मर्मदन में मिलता है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर गोरीचंद हीराचंद ओझा ने जय सिंह के बारे में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी शासक और बलवान शासक किसे कहा गया? जय सिंह। तो इसमें दोस्तों ये गलत हो जाएगा, जय सिंह को नहीं जैतर सिंह को कहा गया था, ये याद रखना ठीक है। तो अगर देखी जाए तो इसमें किसका है? ए बी सी, लेकिन ए बी सी आपको किसी में भी नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे आप मिसप्रिंट है फिर, तो या जय सिंह की जगह कर लेना दोस्तों जैत्र सिंह, क्या करोगे? जैत्र सिंह, जैत्र सिंह,
फिर आपको ये सारा राइट लगेगा, ए बी सी डी, यहाँ जेतर सिंह है, बस ये ध्यान रखना। रावल रतन सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये बताना आपको कि रावल रतन सिंह के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो रावल रतन सिंह के बारे में पहले सन बताता हूँ आपको, रावल रतन सिंह का शासन काल था दोस्तों 1302 से 1303 तक रहा, ठीक है। पहली बात ये दोस्तों, अगर बात करते हैं तो रावल शाका के ये अंतिम शासन हुआ करते थे, रावल शाशा के अंतिम शासक ही थे, ठीक है। फिर ये तो पहला तो सही हो गया, ये लो। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया, ये भी सभी को पता है, राइट आंसर। रतन सिंह को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई, अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खचैन उल्फतों में चित्तौड़ पर आक्रमण का वर्णन किया, ये भी सही बात है। किसका आक्रमण किया था, ये चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है ठीक है। अब है, रतन सिंह को क्या विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी दोस्तों, नहीं, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दोस्तों हमीर को दी गई थी, हमीर को ही पंचानन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई थी, हमीर को ही मेवाड़ का उद्धारक के रूप में जानते हैं। तो इसका गलत आंसर कौन सा है, गलत ही पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर है सी, कि इसका गलत कौन सा है, सी गलत है इसमें। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हमीर के बारे में सत्य कथन बताइए, क्या इसमें हमीर के बारे में सत्य कथन की जांच करनी है आपको। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनःस्थापना की, बिल्कुल। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है, इन्हें राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, आपको राइट आंसर बताना है। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर 1326 ईस्वी, आपको मैं बता दूं इसका शासन काल 1326 से स्टार्ट होकर 1364 तक चला, कब 1326 से स्टार्ट होकर 1364 तक चला, फिर 1326 में यहाँ पर चित्तौड़ पर अधिकार किया इन्होंने, ठीक है। फिर सिसोदा नाम क्यों पड़ा इन्होंने, सिसोदिया नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिसोदा के रहने वाले थे, कहाँ के, सिसोदा के रहने वाले थे, ये सिसोदा के जागीरदार थे, सिसोदा स्थान का नाम था, वहाँ के जागीरदार हुआ करते थे, इस कारण इन्हें सिसोदिया शासक या सिसोदिया कहा गया, ठीक है। और हमीर के बारे में मैंने बताया कि इसको मेवाड़ का उद्धारक के रूप में भी जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात की थी। और इसके बारे में विषम घाटी पंचानन की संज्ञा भी किसने दी थी, इन्हीं को मिली हुई थी, ठीक है। ठीक दोस्तों, याद रखना, थोड़ी आवाज में मिस्टेक थी। हमीर ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया, ये अभी हम गए क्वेश्चन में ही बात करके आए हैं कि हमीर ने सिंगोली कहाँ है, आपको बता दूं मैं दोस्तों, हमीर है, गए क्वेश्चन में बात हुई थी पता नहीं, लेकिन याद रखना, हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में एक युद्ध हुआ था, उसे दोस्तों सिंगोली का युद्ध कहते हैं। ये सिंगोली की बात करते हैं कि सिंगोली कहाँ पड़ती है, तो सिंगोली दोस्तों बांसवाड़ा में पड़ती है। नेक्स्ट, अगला चलते हैं, छठा क्वेश्चन, गलत उत्तर का चुनाव कीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन है, गलत उत्तर का चुनाव करना है आप सभी को। चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, राणा सांगा द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया, महाराणा कुंभा का काल कवि अत्री और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना की, कुंभलगढ़ के दुर्ग के शिल्पी मंडन थे, आपको राइट आंसर इनमें से राइट बताना है। तो पहला तो आप सभी को लगभग लगभग आता है, गलत पूछ रहा है ना, हाँ। तो चूड़ा ने राजस्थान के भीष्म पितामह की संज्ञा दी जाती है, ये तो आपको सभी को पता है कि बिल्कुल सही है। आपको डी भी पता है कि कुंभलगढ़ के दुर्ग के शिल्पी कौन हुआ करते कौन थे, तो वो थे मंडन, कौन थे, मंडन थे, भी बात सही है। राणा कुंभा के काल में कवि अत्री और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना की, ये भी बात सही बताई गई है कि राणा जो कुंभा है उनके काल में कवि अत्री और महेश ने पहले कवि स्टार्टिंग किसने किया था राज स्तंभ का, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना में स्टार्ट अत्री ने किया था, खत्म महेश भट्ट ने किया था, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब मेरे को ये बताओ कि ये आंसर सही है क्या, राणा सांगा द्वारा 32 दुर्गों का निर्माण करवाया गया,
ना दोस्तों, राणा सांगा द्वारा नहीं, अगर यहाँ कुंभा होता तो आपका आंसर राइट था, लेकिन कुंभा नहीं देखकर क्या दिया। कहते हैं कि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा करवाया गया 32 दुर्गों का निर्माण, तो सांगा नहीं होगा यहाँ पे, गलत है। नेक्स्ट चलते हैं, कुंभा द्वारा किस का निर्माण नहीं करवाया गया? अब ये बताइए, बहुत टफ क्वेश्चन है। कुंभ स्वामी मंदिर चित्तौड़, श्रृंगार चौरी मंदिर, रणकपुर के मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। अब इसका सभी डाउट में है मेरे को मालूम है। देखो मैं बता दूं आपको, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि कुंभ स्वाम मंदिर का निर्माण भी करवाया, श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया और रणकपुर के मंदिर का निर्माण करवाया, ये राइट आंसर है तीनों ही। लेकिन कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया, ये ध्यान रखना, कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है, महाराजा धीराज दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि से विभूषित किसे किया गया? कुंभा, सांगा, रावल, प्रताप। तो आपको पता होना चाहिए, या पता है आपको कि ये किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा। किसके द्वारा? कुंभा के द्वारा ये सभी उपाधियां धारण की गई थी, सभी कहा गया था इनको। नाइन क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा सांगा के बारे में सत्य कथन की जांच कीजिए। सत्य कथन बताना है दोस्तों, इतिहास में हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार किया। फिर नेक्स्ट आपके सामने, 17 मार्च 1529 को खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। बताना है आप सभी को इन चारों में से राइट आंसर क्या होगा। शुरू करते हैं पहले से ही, तो मैं आपको बता दूं सांगा के बारे में कि सांगा का अगर शासनकाल पूछता है तो सांगा का शासनकाल, एक सेकंड, सांगा का शासनकाल दोस्तों 1509 से स्टार्ट होता है, 1528 तक चलता है, 1528 तक चलता है दोस्तों, याद रखना, 1509 से स्टार्ट होकर 1528 तक चलता है। फिर अगर सांगा के नाम की बात करते हैं तो इसमें बचपन का नाम संग्राम सिंह था। क्या था? इसका पूरा नाम भी अगर जानना चाहो तो संग्राम सिंह था। ये तीन भाई हुआ करते थे दोस्तों, जिन्होंने फिर बाद में उत्तराधिकारी भी मानते थे तीनों ही, ठीक है। जैसे तीनों भाई कौन कौन से थे? पृथ्वीराज हो गया, जयमल हो गया, राज सिंह हो गया, ठीक है, और सांगा, ये चारों थे। अब मैं बात करता हूँ, बिल्कुल ये बात सही है कि इतिहास में हिंदू पथ के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों ये कि हिंदू पथ के नाम से इन्हें जाना गया है सांगा को। और ये शासक कब बने थे? 1509 में, ठीक है। आगे चलते हैं, 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को फिनिश किया, परास्त किया, सॉरी दोस्तों, परास्त किया, तो ये राइट आंसर है 1517 ईस्वी में। फिर है 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को लोदी पर आक्रमण कराया गया या जीत लिया गया, ठीक है, परास्त कर आगरा पर अधिकार किया, बिल्कुल सही बात है ये भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेरे को ये बताइए इसमें 17 मार्च 1529, कितना, 1529 में खानवा का मैदानों में बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। देखो मैं आपको बताऊं, जब भी खानवा का युद्ध आ जाता है, आपको पता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 27 मार्च 1527 ईस्वी में, लेकिन यहाँ तारीख कितनी है? 1529, तो हो गई गलत, तो डी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था सांगा और बाबर के बीच, ठीक है, ये तो आपको सही है। आगे चलते हैं, गलत बताना है इसका, तो गलत तो डी है इसका, ठीक है, सही पूछे तो ए बी सी सही है, सही ऊपर क्या है वो देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन है,
राणा उदय सिंह के शासनकाल 1537 से 1572 ईस्वी तक चला। बिल्कुल, 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य अकबर ने चार शिष्टमंडल जलाल खां, मान खां, भगवान दास टोडरमल के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के पास भेजे। ये भी सही है। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल सही है। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कच्छावा ने किया। क्या ये राइट आंसर है दोस्तों? इसमें दो ही क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ये सही है या गलत है ये आपको मुझ को बताना है। तो आपको मैं बता दूं कि प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व न कि जगन्नाथ, ये अगर जगन्नाथ कच्छावा के बारे में पूछे तो ये दोस्तों जगन्नाथ कच्छावा जो कौन थे, ये मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व किया था इन्होंने, जगन्नाथ कच्छावा ने। लेकिन प्रताप की सेना के जो हरावल का नेतृत्व है वो किसने किया था? तो प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम का सूर ने किया था। किसने किया था? हकीम का सूरी ने इसका नेतृत्व किया था, महाराणा प्रताप की हरावल की सेना का, हकीम का सूर। ठीक है। और आपको मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व पूछे तो वो है दोस्तों जगन्नाथ कच्छावा। ये दोनों ही याद रखने हैं। आज के लिए 10 क्वेश्चन दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत हो गए। इनके जो सारे हैं उनके सबके आंसर हैं ये दोस्तों, याद रखना। फिर आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 5+ क्वेश्चन तो मिलेंगे, 5 के ऊपर ही क्वेश्चन मिलेंगे। और मैंने आपको इसमें डीपली जानकारी दे दी हर एक शासन के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो हमारी मेहनत तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। धन्यवाद आप सभी का। मैं आपके लिए ये ऐसे ही क्वेश्चन बना के लाऊंगा दोस्तों। जब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।